उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत पर हंगामा मचा हुआ है। आरोप है कि गाजीपुर में जंगीपुर थाने की पुलिस ने प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक को पकड़कर थाने पुलिस ले गई और फिर उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। आरोप है कि बुरी तरह जख्मी युवक घनश्याम को पुलिस ने घर भिजवा दिया, जिसके बाद आज उसकी मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस की पिटाई में युवक की मौत पर हंगामा मचा हुआ है। गाजीपुर में जंगीपुर थाने में पुलिस ने प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक को पकड़कर उसे थाने ले गई। कहा जा रहा है कि बुरी तरह से पिटाई की गई और आरोप है कि जख्मी युवक घनश्याम को पुलिस ने घर भिजवा दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और उस मौत के बाद ये नाराजगी लोगों की। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज, हम देख रहे हैं लोगों का गुस्सा, पुलिस की गाड़ियों को उन्होंने आग लगा दी, क्या लोग ये मान रहे हैं कि पुलिस की पिटाई की वजह से ही इस युवक की मौत हुई? देखिए, इसमें कई स्तर पर लापरवाहियां बरती गई है। ये गाजीपुर के जंगीपुर का इलाका है जहाँ की घटना हुई है और अभी भी वहाँ पे हालात जो है वो बिल्कुल तनावपूर्ण है। जिस तरीके से भीड़ गुस्से में है, उसने पुलिस के डीएसपी गाड़ी फूंक दी, पुलिस बूथ फूंक दी है, बहुत पथराव हुआ है वहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का मानना है कि ये जो लड़का है जिसकी मौत हुई है, उसे थाने में लाया गया था। और ये कहानी, एक तो एक मामला तो ये प्रेम का है कि लड़के लड़की बाहर निकले थे, शादी करना चाहते थे, बाद में पुलिस लड़के को पकड़ के लाई, उसके बाद उसके साथ जो गांव वालों का कहना है कि खासतौर से जो लड़के के परिवार और उनके साथ के लोग हैं, कि पुलिस के थाने में इतनी उसके साथ टॉर्चर किया गया, उसके साथ मारपीट की गई कि उसकी मौत हो गई। इसी वजह से नाराज लोगों ने ये सारा हंगामा और तांडव वहां पर किया है और ये गुस्सा देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जंगीपुर थाने में एक युवक की मौत के बाद ये लोगों का गुस्सा है। लोगों का मानना है, आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से ही युवक घनश्याम की मौत हुई और उसके बाद लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया।